स्मोक चल रहा है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो गया है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ये जो बीच में पहले भी गाजियाबाद नंबर एक आ गया था, लेकिन बीच में हवा चलने की वजह से क्लियर हो गया था एटमोसफेयर, गाजियाबाद का पॉल्यूशन लेवल नीचे हो गया, लेकिन एक दो दिन से वापस वही स्थिति आ गई है, बल्कि फिर गाजियाबाद नंबर एक पॉल्यूशन का क्षेत्र बन गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिससे कि लोग बीमार ना हो, ना किसी वजह से परेशान हो, जो बेचारे बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो बहुत ही घातक बात है। बहुत ज्यादा साउंड वाले, मतलब बहुत तेज तेज आवाजों वाले, जैसे कि आप कह ही रहे हैं कि ग्रीन पटाखे फूटने से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रात के 12:30 से लेकर 1:30 बजे तक पटाखे फूटते रहे, और इतना ज़्यादा पोल्यूशन, इतना ज़्यादा कि हम घर से बाहर या घर के अंदर दरवाज़ा भी खोला हुआ है तो पूरा घर पोल्यूशन से भर गया था। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वाले पटाखे फोड़े गए थे। सेकेंडली, आई गेस 1 o'clock तक साउंड आ रही थी। माई मदर इज़ अ हार्ट पेशेंट, उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हम लोग डिनर कर रहे थे, घर के अंदर तक धुआं आ रहा था, और फिर उसके बाद क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है तो उनसे ना ही बोला जा रहा था ना कुछ, इवन मेरे गले में भी बहुत दर्द हो रहा था। भाई कोई नहीं, अंदर चलो, कर ले।